हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रमेश कुमार तंबोली, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, किरोड़ीमल गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज रायगढ़। आज के इस वीडियो लेक्चर सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी पार्ट वन, पेपर वन, यूनिट वन के अंतर्गत प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के स्ट्रक्चर एवं लाइफ साइकिल का विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इसे सामान्य तौर पर मलेरियल पैरासाइट के नाम से जाना जाता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का सिस्टमैटिक पोजीशन इस तरह से है, फाइलम प्रोटोजोआ। इसके अंतर्गत आने वाले जंतु माइक्रोस्कोपिक और यूनिसेलुलर होते हैं। क्लास स्पोरोजोआ, इनके जीवन चक्र में स्पोरोजोआइट का निर्माण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत होता है। ऑर्डर हीमोस्पोरिडिया, इनके ट्रोफोजोआइट इंट्रासेलुलर होते हैं जो आरबीसी के भीतर उपस्थित होते हैं। जीनस प्लाज्मोडियम और प्रजाति जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है वाइवेक्स। आइए पहले हम देखें मलेरिया क्या है। मलेरिया एक परजीवी प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के द्वारा मनुष्य में होने वाला रोग है। मनुष्य में होने वाले इस रोग को लक्षण के आधार पर मलेरियल फीवर के नाम से जाना जाता है। मनुष्य में यह रोग संक्रमित फीमेल एनाफिलिस मच्छर के काटने से संचारित होता है। मलेरिया रोग विश्वव्यापी है, कॉस्मोपॉलिटन है तथा यह ट्रॉपिकल एवं टेम्परेट देशों में सामान्य रूप से पाया जाता है। मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र या लाइफ साइकिल यह दो पोषकों में या दो होस्ट में पूर्ण होता है। इसका प्राइमरी होस्ट मनुष्य तथा सेकेंडरी होस्ट फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो होता है। मनुष्य में परजीवी की स्पोरोजोआइट अवस्था यह संक्रमणकारी होती है तथा फीमेल एनाफिलिस मच्छर में गैमिटोसाइट अवस्था यह संक्रमणकारी होती है। मलेरिया रोग का परजीवी, जिसे हम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कहते हैं, यह मनुष्य के रक्त, लीवर सेल्स तथा फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के स्टमक और सलाइवरी ग्लैंड में पाया जाता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण मनुष्य में फीवर या बुखार की पुनरावृत्ति 48 घंटे में होती है तथा इस फीवर को बिनाइन टर्शियन फीवर कहते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जनित मलेरिया में मृत्यु दर काफी कम हुआ करती है। इस परजीवी के दुष्प्रभाव के कारण मनुष्य में लीवर सेल की क्षति होती है तथा आरबीसी की क्षति के कारण रक्त की कमी हो जाती है। आइए हम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के ऐतिहासिक विवरण का अवलोकन करते हैं। बात 1753 की है, जहां लोगों ने पहली बार मलेरिया रोग के बारे में सोचना आरंभ किया। दलदल और नम स्थानों से आती हुई दूषित हवा के कारण मलेरिया रोग होता है तथा इस आधार पर इस रोग का नामकरण मलेरिया किया गया। मलेरिया दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, माला अर्थात बेड या दूषित और एरिया माने एयर या हवा। तो दूषित हवा से यह रोग फैलता है और इसी आधार पर 1753 में
इसका नामकरण मलेरिया किया गया है। 1766 में लेंसिसी एक साइंटिस्ट हुए, उनके अनुसार मच्छर की अधिकता वाले क्षेत्र तथा मलेरिया रोग के बीच सीधा संबंध होता है और उन्होंने मच्छर की अधिकता वाले क्षेत्र तथा मलेरिया रोग के बीच संबंध होने की संभावना व्यक्त की थी। 1880 चार्ल्स लेवर, ये अल्जीरिया के डॉक्टर थे। चार्ल्स लेवर ने मलेरिया के संक्रमित रोगी के रक्त में पहली बार प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज की थी। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 1855 गॉल्गी एंड सेली मलेरिया से संक्रमित व्यक्ति के रक्त को स्वस्थ व्यक्ति में चढ़ाया गया तो स्वस्थ व्यक्ति भी संक्रमित हो गया, पर गॉल्गी सेली के इस प्रयोग के उपरांत मलेरिया रोग एक व्यक्ति से दूसरे में कैसे संचारित होता है इसकी जानकारी गॉल्गी और सेली नहीं दे पाए। 1892 रिचर्ड पीफर, इन्होंने संभावना व्यक्त की कि मलेरिया रोग का संचार किसी रक्त चूसने वाले कीट से हो सकता है, पर संक्रमण फैलाने वाले कीट के बारे में रिचर्ड पीफर किसी भी तरह की जानकारी नहीं दे पाए। 1894 सर पैट्रिक मैनसन, स्कॉटिश डॉक्टर थे जो फार्मोसा के चीनी औषधालय में मनुष्य में वूचेरेरिया बैंक्राफ्टी, जो मनुष्य में हाथी पांव रोग के लिए जिम्मेदार होता है, उसके भ्रूण के प्रसार में क्यूलिसिन मच्छर के वाहक के रूप में भूमिका की खोज की थी, तथा सर पैट्रिक मैनसन ने सर रोनाल्ड रॉस को सुझाव दिया कि मलेरिया रोग के प्रसार में मच्छर की भूमिका को ध्यान में रखते हुए अपना शोध कार्य प्रारंभ करें। 1895 सर रोनाल्ड रॉस भारतीय सेना में डॉक्टर थे तथा वो सिकंदराबाद में सेवारत थे। सर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के प्रसार में मच्छर की भूमिका पर अपना शोध प्रारंभ किया। 29 अगस्त 1897 को उन्होंने फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के स्टमक की बाहरी दीवार पर महीन दानों के रूप में मलेरिया परजीवी की उशिष्ट अवस्था को खोज निकाला। इस महत्वपूर्ण खोज के लिए सर रोनाल्ड रॉस को 1902 में औषधि के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान नोबल प्राइज से उन्हें सम्मानित किया गया। इसके पश्चात 1898 में ग्रासी एंड हिज इटालियन कोवर्कर्स ने फीमेल एनोफिलिस मच्छर में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के जीवन चक्र का विस्तार से अध्ययन किया। मनुष्य में प्लाज्मोडियम की अवस्थाओं के बारे में आइए हम देखें। मनुष्य में अपने जीवन चक्र की अवधि में प्लाज्मोडियम दो रूपों में प्रकट होता है, जिन्हें क्रमशः स्पोरोजोवाइट और ट्रोफोजोवाइट अवस्था कहते हैं। इन दोनों अवस्थाओं की तुलनात्मक विशेषताएं निम्नानुसार होती हैं। स्पोरोजोवाइट और ट्रोफोजोवाइट, ये चित्र हम स्पोरोजोवाइट का अवलोकन कर सकते हैं और यह जो चित्र है ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के ट्रोफोजोवाइट का है। आइए हम दोनों अवस्थाओं का तुलनात्मक विवरण देखते हैं। स्पोरोजोवाइट का शेप सीकल शेप्ड होता है, जबकि ट्रोफोजोवाइट का आकार डिस्क या बटन के समान होता है। स्पोरोजोवाइट एक इन्फेक्शियस स्टेज या संक्रमणकारी अवस्था है, जबकि ट्रोफोजोवाइट यह फीडिंग स्टेज है। स्पोरोजोवाइट यह लीवर सेल में
उपस्थित होती है, जबकि ट्रोफोजोआइट ये लाल रक्त कोशिकाओं के भीतर या आरबीसी के भीतर उपस्थित होती है। स्पोरोजोआइट की पेलिकल, यह बाहरी आवरण है, इस बाहरी आवरण को हम पेलिकल कहते हैं। यह तीन परतों से मिलकर बनी रहती है, जबकि ट्रोफोजोआइट की पेलिकल यह दो परतों के द्वारा बनी हुई होती है। स्पोरोजोआइट के शरीर के अगले हिस्से पर एक कप जैसी रचना पाई जाती है, यहां से हम देख सकते हैं। यह कप जैसी रचना एपिकल कप कहलाती है। एपिकल कप जैसी रचना ट्रोफोजोआइट में एब्सेंट होती है। स्पोरोजोआइट में फूड वैक्यूल ये एब्सेंट होते हैं, जबकि ट्रोफोजोआइट में फूड वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। स्पोरोजोआइट में शरीर के अगले भाग पर एक विशेष तरह के अंग पाए जाते हैं जो पेयर में होते हैं, इन्हें पेयर्ड ऑर्गेनेल कहा जाता है। यहां पर हम देख सकते हैं ये पेयर्ड ऑर्गेनेल उपस्थित हैं, और ये पेयर्ड ऑर्गेनेल ये एपिकल कप के शीर्ष पर एक छोटे से सुराख के द्वारा बाहर खुलते हैं, और इन पेयर्ड ऑर्गेनेल के द्वारा प्रोटियोलिटिक एंजाइम का सिक्रीशन किया जाता है जो कोशिकाओं को तोड़ने का काम करता है। पेयर्ड ऑर्गेनेल ये ट्रोफोजोआइट में अनुपस्थित होती हैं। न्यूक्लियस के बारे में हम बात करें, स्पोरोजोआइट में सिंगल लॉन्ग न्यूक्लियस उसके साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है, जबकि ट्रोफोजोआइट में न्यूक्लियस सिंगल होता है लेकिन यह लार्ज होता है। माइटोकॉन्ड्रिया स्पोरोजोआइट में सिंगल होती है तथा उसके साइटोप्लाज्म में उपस्थित होती है। ट्रोफोजोआइट में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। पेलिकल की सतह पर मध्य भाग में एक छोटा सा अपर्चर होता है, और इस अपर्चर को माइक्रोपाइल कहा जाता है। यह स्पोरोजोआइट में उपस्थित होता है, जबकि ट्रोफोजोआइट में अनुपस्थित होता है। हीमोजोइन स्पोरोजोआइट के साइटोप्लाज्म में एब्सेंट होता है। हीमोजोइन एक विषैला पदार्थ है, जबकि हीमोजोइन ट्रोफोजोआइट के साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है। ये रचना है ट्रोफोजोआइट की, और ये है स्पोरोजोआइट। आइए अब हम देखें प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के लाइफ साइकिल के बारे में या उसके जीवन चक्र के बारे में। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का जीवन चक्र डाइजेनेटिक होता है, जो दो पोषकों में या दो होस्ट में पूर्ण होता है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का प्राइमरी होस्ट यह मैन होता है, मनुष्य होता है, जिसमें परजीवी की एसेक्सुअल साइकिल चलती है, जबकि प्लाज्मोडियम का सेकेंडरी होस्ट या द्वितीय पोषक ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होती है, जिसमें परजीवी की सेक्सुअल साइकिल या लैंगिक चक्र संपन्न होता है। प्राइमरी होस्ट में मनुष्य में जीवन चक्र की जो अवस्थाएं संपन्न होती हैं, उनके स्टेप्स इस तरह से हैं। पहला इन्फेक्शन, दूसरा लीवर साइजोगोनी। यह प्रक्रिया मनुष्य के लीवर सेल के अंदर संपन्न होती है। लीवर साइजोगोनी ये दो उपचरणों में संपन्न होती हैं, जिन्हें क्रमशः प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज और दूसरे को एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज कहते हैं। तीसरा इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, यह मनुष्य के आरबीसी के अंदर संपन्न होती है, और अंतिम अवस्था यह कहलाती है फॉर्मेशन ऑफ गैमिटोसाइट्स या गैमिटोसाइट का निर्माण। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो इसका सेकेंडरी होस्ट है, उसमें जीवन चक्र की अवस्थाएं निम्न चरणों में क्रमिक रूप से संपन्न होती हैं। पहला ट्रांसफर ऑफ गैमिटोसाइट टू फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो,
दूसरा गैमिटोगोनी, तीसरा फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, चौथा ओकाइनिट, पांचवा ओसिस्ट और छठवें तथा अंतिम अवस्था यह स्पोरोगोनी कहलाती है। आइए विस्तार से हम मनुष्य में और फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जीवन चक्र का क्रमिक रूप से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम मनुष्य में प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के जीवन चक्र का अध्ययन करेंगे। मनुष्य प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का प्राथमिक पोषक होता है, प्राइमरी होस्ट होता है, जिसमें उसके जीवन चक्र की अवस्थाएं निम्न क्रमिक चरणों में संपन्न होती हैं। पहला इन्फेक्शन, परजीवी का मनुष्य के शरीर के भीतर प्रवेश कर जाना यह संक्रमण या इन्फेक्शन कहलाता है। तो परजीवी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का मनुष्य के रक्त में प्रवेश करना यह संक्रमण कहलाता है। मनुष्य में संक्रमण अनेक विधियों के द्वारा हो सकता है जो इस तरह से हैं। पहला बाय बाइटिंग ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, अर्थात संक्रमित फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने से परजीवी मनुष्य के शरीर के भीतर प्रवेश कर उसे संक्रमित कर देता है। जब संक्रमित फीमेल एनोफिलिस मच्छर किसी स्वस्थ मनुष्य को रक्त चूसने के उद्देश्य से काटती है तो वह मनुष्य के रक्त में अपना लार या स्लाइवा मिला देती है। इसी लार में प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की संक्रमणकारी अवस्था, जिसे स्पोरोजोवाइट्स कहते हैं, वो मौजूद होते हैं जो मनुष्य के रक्त में प्रवेश कर मनुष्य को संक्रमित कर देते हैं तथा प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र अब मनुष्य में प्रारंभ हो जाता है। मनुष्य में संक्रमण की यह सबसे सामान्य विधि है। इसके अलावा अन्य विधियां इस तरह से हैं। दूसरा टीकाकरण के समय संक्रमण, इसे इनाकुलेटिव इन्फेक्शन कहा जाता है। संक्रमित व्यक्ति के टीकाकरण के समय प्रयुक्त निडिल को बिना स्टेरलाइज किए किसी अन्य व्यक्ति के टीकाकरण के लिए उपयोग किया जाता है तो वह व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। तीसरा रक्त चढ़ाते समय संक्रमण, इसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन्फेक्शन कहते हैं। संक्रमित व्यक्ति का रक्त किसी स्वस्थ मनुष्य को चढ़ाने से वह स्वस्थ मनुष्य या व्यक्ति भी मलेरिया से संक्रमित हो जाता है। चौथा कॉन्जेनाइटल या जन्मजात मलेरिया, मां के द्वारा उसके गर्भ में विकसित हो रहे शिशु में मलेरिया का संक्रमण जन्मजात मलेरिया कहलाता है। यह जन्मजात संक्रमण प्लेसेंटा के ठीक से कार्य न करने के कारण से होता है। पांचवा आकस्मिक मलेरिया, या इसे हम एक्सीडेंटल मलेरिया भी कहते हैं, संक्रमित इंजेक्शन का उपयोग करने से होने वाला संक्रमण यह आकस्मिक या एक्सीडेंटल मलेरिया कहलाता है। और छठवां है थेरेप्यूटिक या चिकित्सकीय मलेरिया, प्रयोगशाला में शोध कार्य के लिए कल्चर किए गए संक्रमित मच्छर के काटने से होने वाला संक्रमण यह चिकित्सकीय मलेरिया कहलाता है। तो इस तरह मलेरिया परजीवी मनुष्य के शरीर में इन अलग अलग विधियों के द्वारा प्रवेश कर मनुष्य को संक्रमित कर सकता है। मनुष्य में प्रवेश करने के साथ ही मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र आरंभ हो जाता है। जीवन चक्र की दूसरी अवस्था जो मनुष्य में होती है यह लीवर साइजोगोनी कहलाती है। यह संक्रमित मनुष्य के लीवर में परजीवी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के प्रवेश करने के उपरांत चलने वाली जीवन चक्र की अवस्था है। मनुष्य के रक्त में प्रवेश करने के लगभग आधे घंटे के बाद
स्पोरोजोवाइट्स रक्त प्रवाह से होते हुए मनुष्य के लीवर में प्रवेश कर जाते हैं और लीवर सेल के भीतर स्पोरोजोवाइट लीवर साइजोगोनी की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। लीवर साइजोगोनी की प्रक्रिया दो क्रमिक चरणों में चलती है, जिन्हें क्रमशः प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज और एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज कहते हैं। आइए पहले हम देखें लीवर साइजोगोनी की पहली प्रक्रिया, पहली प्रावस्था प्री इरिथ्रोसाइटिक प्रावस्था के बारे में। मनुष्य के लीवर सेल में प्रवेश करने के बाद स्पोरोजोवाइट अपना आकार बदलकर गोलाकार हो जाता है, जिसे क्रिप्टोजोवाइट कहते हैं। क्रिप्टोजोवाइट का न्यूक्लियस कई बार लगातार विभाजित होकर लगभग 8 दिनों की अवधि में वृद्धि करके अनेक न्यूक्लियस वाले, जिन्हें हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड साइजोंट का निर्माण करते हैं। साइजोंट निर्मित होने के बाद साइजोंट का प्रत्येक न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म की थोड़ी सी मात्रा एकत्रित करके क्रिप्टोमीरोजोवाइट के रूप में विकसित हो जाता है। एक साइजोंट के भीतर लगभग 12,000 क्रिप्टोमीरोजोवाइट्स विकसित हो सकते हैं। इतनी अधिक संख्या में एक लीवर सेल के भीतर क्रिप्टोमीरोजोवाइट्स बनने के कारण साइजोंट एवं लीवर सेल फट जाते हैं तथा सभी क्रिप्टोमीरोजोवाइट्स स्वतंत्र हो जाते हैं। प्री इरिथ्रोसाइटिक प्रावस्था को संक्षेप में हम इस तरह समझ सकते हैं, स्पोरोजोवाइट्स का मनुष्य के लीवर सेल में प्रवेश करने के बाद क्रिप्टोमीरोजोवाइट्स के रूप में लीवर सेल के बाहर आने तक की अवस्था प्री इरिथ्रोसाइटिक प्रावस्था कहलाती है। इस चित्र में हम देख सकते हैं स्पोरोजोवाइट ये लीवर सेल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश करने के बाद स्पोरोजोवाइट का आकार बदलकर गोल हो जाता है, इसे क्रिप्टोजोवाइट कहते हैं। क्रिप्टोजोवाइट का न्यूक्लियस अनेक न्यूक्लियाई में विभाजित हो जाता है, यह अवस्था साइजोंट कहलाती है। साइजोंट का हर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म की आंशिक मात्रा एकत्रित करके एक नई रचना या इकाई के रूप में विकसित हो जाती है, इन्हें क्रिप्टोमीरोजोवाइट्स कहा जाता है। क्रिप्टोमीरोजोवाइट्स की संख्या लगभग 12,000 तक होती है। इतनी अधिक संख्या में क्रिप्टोमीरोजोवाइट्स बनने के कारण से साइजोंट और लीवर सेल ये बस्ट हो जाता है, फट जाता है और क्रिप्टोमीरोजोवाइट्स ये लीवर सेल से बाहर निकलकर स्वतंत्र हो जाते हैं। लीवर साइजोगोनी की दूसरी प्रावस्था यह कहलाती है एक्सो इरिथ्रोसाइटिक प्रावस्था। मनुष्य में उसके लीवर सेल के फटने से स्वतंत्र हुए जो क्रिप्टोमीरोजोवाइट्स हैं, ये फिर से नए लीवर सेल्स में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद क्रिप्टोमीरोजोवाइट्स अपना आकार बदल लेते हैं और ये गोलाकार हो जाते हैं। इस अवस्था में इन्हें मेटाक्रिप्टोजोवाइट कहा जाता है। मेटाक्रिप्टोजोवाइट का न्यूक्लियस कई बार विभाजित होकर तथा वृद्धि करके हजारों न्यूक्लियस वाले या मल्टी न्यूक्लिएटेड साइजोंट का पुनः निर्माण करते हैं। साइजोंट का प्रत्येक न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म की थोड़ी सी मात्रा एकत्रित करके वह मेटाक्रिप्टोमीरोजोवाइट्स के रूप में विकसित हो जाता है। एक साइजोंट के भीतर हजारों की संख्या में मेटाक्रिप्टोमीरोजोवाइट विकसित होते हैं, जो साइजोंट और लीवर सेल के फटने से पुनः स्वतंत्र हो जाते हैं। क्रिप्टोमीरोजोवाइट्स का मनुष्य के नए लीवर सेल में पुनः प्रवेश करने तथा उसके बाद मेटाक्रिप्टोमीरोजोवाइट्स के रूप में लीवर सेल से बाहर
आने तक की अवस्था यह एक्सो इरिथ्रोसाइटिक अवस्था या फेज कहलाती है। इस एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज में संपन्न होने के बाद जो मेटाक्रिप्टोमीरोजोइट्स बनते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक्सो इरिथ्रोसाइटिक प्रावस्था में दो प्रकार के मेटाक्रिप्टोमीरोजोइट्स बनते हैं। पहला, ये मैक्रो मेटाक्रिप्टोमीरोजोइट्स कहलाते हैं। ये आकार में बड़े, संख्या में कम तथा ये नई लीवर सेल के अंदर प्रवेश करके फिर से एक्सो इरिथ्रोसाइटिक प्रावस्था या फेज को रिपीट करते हैं, उसको दोहराते हैं। जबकि दूसरे प्रकार के जो मेटाक्रिप्टोमीरोजोइट्स होते हैं ये माइक्रो मेटाक्रिप्टोमीरोजोइट्स कहलाते हैं। ये छोटे, संख्या में अधिक तथा ये आरबीसी में प्रवेश करके इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी चक्र को आरंभ करते हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि जो क्रिप्टोमीरोजोइट्स हैं ये नए लीवर सेल के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद इनका आकार गोल हो जाता है। इन्हें मेटाक्रिप्टोजोइट कहा जाता है। इस मेटाक्रिप्टोजोइट का न्यूक्लियस अनेक बार विभाजित होकर के मल्टी न्यूक्लिएटेड साइजोंट की रचना करता है और इस साइजोंट के भीतर उपस्थित प्रत्येक न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म की थोड़ी सी मात्रा एकत्रित करके एक नई रचना या इकाई के रूप में विकसित हो जाता है। इन्हें कहा जाता है मेटाक्रिप्टोमीरोजोइट्स। ये मेटाक्रिप्टोमीरोजोइट्स आकार के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला है मैक्रो मेटाक्रिप्टोमीरोजोइट्स। ये आकार में बड़े होते हैं, संख्या में कम होते हैं और ये नई लीवर सेल के अंदर प्रवेश करके वो एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज को फिर से दोहराने का कार्य करते हैं। जबकि दूसरे प्रकार की जो मेटाक्रिप्टोमीरोजोइट्स होती हैं ये आकार में छोटी होती हैं। इन्हें माइक्रो मेटाक्रिप्टोमीरोजोइट्स कहा जाता है। ये माइक्रो मेटाक्रिप्टोमीरोजोइट्स लीवर सेल में प्रवेश न करके ये आरबीसी या लाल रक्त कोशिकाओं के भीतर प्रवेश कर जाती हैं और वो आरबीसी के अंदर इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी की प्रक्रिया को आरंभ करती हैं। मनुष्य के शरीर में चलने वाले परजीवी के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था यह कहलाती है इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। अभी हमने देखा कि एक्सो इरिथ्रोसाइटिक प्रावस्था में जो माइक्रो मेटाक्रिप्टोमीरोजोइट्स बने हुए हैं वो आरबीसी के अंदर प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद वो इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी चक्र को निम्न क्रम के अनुसार प्रारंभ करते हैं। पहली अवस्था यह कहलाती है ट्रोफोजोइट अवस्था या ट्रोफोजोइट स्टेज। आरबीसी के अंदर प्रवेश करने के बाद माइक्रो मेटाक्रिप्टोमीरोजोइट्स का आकार बदल करके ये डिस्क के समान हो जाता है जिसके मध्य में एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। यह अवस्था ट्रोफोजोइट अवस्था कहलाती है। ट्रोफोजोइट अब लाल रक्त कोशिकाओं या आरबीसी के भीतर उपस्थित हीमोग्लोबिन को खाकर अपनी वृद्धि करने लगती हैं। दूसरी अवस्था सिग्नेटरिंग स्टेज। ट्रोफोजोइट अवस्था अब बदल जाती है सिग्नेटरिंग स्टेज में। शीघ्र ही ट्रोफोजोइट के भीतर एक रिक्तिका या वेक्यूल प्रकट होती है जो अपने न्यूक्लियस को एक ओर हटाते हुए आकार में बढ़ते हुए अंगूठी के समान दिखाई देने लगती है। इस अवस्था में इसे सिग्नेट रिंग अवस्था कहते हैं। सिग्नेट रिंग अवस्था ये एमीबॉइड स्टेज में बदलती है। तो तीसरी अवस्था ये है एमीबॉइड स्टेज। आकार में और वृद्धि होने पर वेक्यूल या रिक्तिका अब धीरे धीरे लुप्त हो जाती है तथा सूडोपोडिया विकसित होने लगते हैं। इस अवस्था में
इसे अमीबॉइड अवस्था कहते हैं। सूडोपोडिया की सहायता से यह आरबीसी के अंदर उपस्थित हीमोग्लोबिन को बड़ी सक्रियता के साथ खाने लगते हैं। हीमोग्लोबिन में से ग्लोबिन जो एक प्रोटीन है उसका पाचन एवं उपयोग तो हो जाता है, किंतु हीम या आयरन पहले हीमेटिन में तत्पश्चात भूरे रंग के विषैले पदार्थ जिसे हीमोजोइन कहते हैं उसमें बदलकर साइटोप्लाज्म में एकत्रित कर लिया जाता है। तो एमीबॉइड स्टेज आरबीसी के अंदर मौजूद है तो वह आरबीसी के भीतर हीमोग्लोबिन को खाने लगता है और हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक हीम जिसे हम आयरन कहते हैं, दूसरा ग्लोबिन जो एक प्रोटीन है। तो प्रोटीन का पाचन तो हो जाता है और उसका उपयोग भी हो जाता है, किंतु आयरन इसका उपयोग नहीं हो पाता है, इसलिए यह हीम पहले हीमेटिन में बदला जाता है और उसके पश्चात उसे हीमोजोइन नाम के एक विषैले पदार्थ में बदलकर अपने भीतर संचित कर लिया जाता है। यह हीमोजोइन ये भूरे रंग के विषैले पदार्थ हैं, भूरे रंग के पिगमेंट होते हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि माइक्रोमेटा क्रिप्टोमीरोजोवाइट्स ये आरबीसी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश करने के बाद इनका आकार डिस्क के समान हो गया, इन्हें हम कहते हैं ट्रोफोजोवाइट। इस ट्रोफोजोवाइट अवस्था में इसके भीतर एक वैक्यूल या रिक्तिका विकसित हो जाती है इस तरह से, तो ये रचना कहलाती है वैक्यूल। तो इस वैक्यूल के कारण से इसका जो न्यूक्लियस है वो इसके परिधि पर चला जाता है और इस अवस्था में इसे कहा जाता है सिग्नेट रिंग स्टेज। शीघ्र ही यह वैक्यूल लुप्त हो जाती है और इनके बाहर की सतह पर सूडोपोडिया विकसित हो जाते हैं। इस अवस्था पर इसे एमीबॉइड स्टेज कहा जाता है। शीघ्र ही एमीबॉइड स्टेज के सूडोपोडिया विड्रॉ कर लिए जाते हैं और एक गोल रचना बनती है, इसे कहा जाता है साइजोंट। साइजोंट के भीतर जो न्यूक्लियस है वह न्यूक्लियस विभाजित होगा और विभाजित होने के बाद वह अगली प्रावस्था में प्रवेश करेगा जिसे हम कहते हैं रोजेट स्टेज। तो आइए अब हम एमीबॉइड स्टेज के बाद अगली अवस्था को देखते हैं, यह है साइजोंट स्टेज। एमीबॉइड स्टेज के बाद परजीवी का आकार बड़ा और गोल हो जाता है, इसे इरिथ्रोसाइटिक साइजोंट कहा जाता है। यहां पर हम देख सकते हैं यह है साइजोंट जो इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी के दरमियान बन रहा है, इसलिए इसे इरिथ्रोसाइटिक साइजोंट भी कहते हैं। इस अवस्था में आरबीसी के साइटोप्लाज्म में कुछ विशेष तरह की कणिकाएं डॉट्स उपस्थित हो जाते हैं, निर्मित हो जाते हैं, जिन्हें शुपनर्स डॉट कहा जाता है। साइजोंट स्टेज अब यह अगली अवस्था में परिवर्तित होती है जिसे कहते हैं रोजेट स्टेज। साइजोंट का न्यूक्लियस विभाजित होकर 12 से 24 तक न्यूक्लियाई निर्मित करता है और ये बनने वाले न्यूक्लियाई परिधि पर जाकर के व्यवस्थित हो जाते हैं तथा हीमोजोइन पिगमेंट ये केंद्र में एकत्रित हो जाती है। इस अवस्था में परजीवी रोजेट की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसे रोजेट स्टेज कहा जाता है। यहां पर हम देख सकते हैं साइजोंट का न्यूक्लियस ये विभाजित हुआ और विभाजित होने के बाद वो परिधि पर जाकर के इस तरह से व्यवस्थित हो जाता है, जिसके कारण से इसका आकार रोज के समान दिखाई देता है, इसलिए इसे रोजेट स्टेज कहा जाता है। इसके अंदर मौजूद जो हीमोजोइन है वो हीमोजोइन इसके केंद्र पर इस तरह से पड़ा रहता है। रोजेट स्टेज में जो 12 से लेकर 24 तक न्यूक्लियाई बने हुए हैं उनमें से प्रत्येक न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म की मात्रा लेकर के स्वतंत्र इरिथ्रोसाइटिक मीरोजोवाइट्स के रूप में विकसित हो जाता है। यहां पर हम देख सकते हैं
ये जो न्यूक्लियस है ये साइटोप्लाज्म की थोड़ी सी मात्रा एकत्रित करेंगे और एकत्रित करने के बाद वो छोटी छोटी इकाइयों के रूप में विकसित हो जाती हैं और इन इकाइयों को मीरोजोवाइट्स कहा जाता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं ये बहुत सारे मीरोजोवाइट्स इसके भीतर विकसित हो चुके हैं। इतनी अधिक संख्या में आरबीसी के भीतर मीरोजोवाइट्स बनते हैं जिसके कारण से आरबीसी के भीतर दबाव बढ़ता है, वह फट जाती है और मीरोजोवाइट्स आरबीसी से बाहर निकल करके स्वतंत्र हो जाते हैं। आरबीसी के भीतर अधिक संख्या में मीरोजोवाइट्स बनने के कारण आरबीसी कमजोर होकर फट जाती है, जिससे मीरोजोवाइट्स आरबीसी से स्वतंत्र होकर रक्त में फैल जाते हैं तथा जो विषैला हीमोजोइन है, ब्राउन पिगमेंट है, वह मनुष्य के रक्त में मिल जाता है। रक्त में स्वतंत्र हुए मीरोजोवाइट्स में से कुछ पुनः इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी को रिपीट करते हैं और आरबीसी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जबकि कुछ मीरोजोवाइट्स ये नए आरबीसी में प्रवेश कर गैमिटोसाइट्स बनाने लगते हैं। गैमिटोसाइट, ध्यान देंगे, यहां पर आरबीसी के अंदर जो मीरोजोवाइट्स बने हैं ये आरबीसी के बस्ट हो जाने के कारण से स्वतंत्र हो जाते हैं और हीमोजोइन मनुष्य के रक्त में मिल जाता है। तो जो मीरोजोवाइट्स स्वतंत्र हुए हैं उनमें से कुछ मीरोजोवाइट्स ये फिर से नए आरबीसी के अंदर प्रवेश करके इस इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी को रिपीट करते हैं, जबकि कुछ मीरोजोवाइट्स नए आरबीसी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करके वो गैमिटोसाइट्स निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ करते हैं। हीमोजोइन के मनुष्य के रक्त में मिलने से मनुष्य के शरीर का तापमान अचानक बढ़ने लगता है, जिससे कपकपी लगने लगती है और इसे ही मलेरियल फीवर कहते हैं। इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी का चक्र 48 घंटे में पूर्ण होता है, जिसके कारण 48 घंटे के बाद मलेरिया फीवर की पुनरावृत्ति होते रहती है। मनुष्य में परजीवी के स्पोरोजोवाइट अवस्था के प्रवेश के लगभग 10 से 14 दिनों के बाद ही मलेरिया फीवर ये प्रकट हो जाता है। दो महत्वपूर्ण शब्द हैं, पहला है प्री पेटेंट पीरियड और दूसरा है इनक्यूबेशन पीरियड। प्री पेटेंट पीरियड यह मनुष्य के संक्रमित होने से लेकर परजीवी के रक्त में पुनः प्रकट होने तक की अवस्था है। तो मनुष्य के रक्त में स्पोरोजोवाइट के रूप में प्रवेश करता है और मीरोजोवाइट के रूप में मनुष्य के रक्त में पुनः प्रकट होता है, तो यहां तक की जो अवस्था है यह प्री पेटेंट पीरियड कहलाती है। दूसरा है इनक्यूबेशन पीरियड, यह मनुष्य के संक्रमित होने से लेकर उसमें मलेरिया रोग के लक्षण पहली बार प्रकट होने तक की अवस्था है। मनुष्य में स्पोरोजोवाइट के रूप में यह परजीवी रक्त में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद वह मीरोजोवाइट के रूप में स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र होने के बाद जैसे ही वो हीमोजोइन मनुष्य के रक्त में मिलता है, मनुष्य को कपकपी के साथ बुखार आने लगता है और यही मलेरिया का लक्षण है। तो पहली बार मलेरिया का लक्षण मनुष्य में प्रकट होता है उसे कहा जाता है इनक्यूबेशन पीरियड। एक समरी है इरिथ्रोसाइटिक फेज की, यह समरी है। मनुष्य में जीवन चक्र की चौथी अवस्था यह कहलाती है फॉर्मेशन ऑफ गैमिटोसाइट या गैमिटोसाइट्स का निर्माण। इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी जो आरबीसी के अंदर चल रही है उसके बार बार दोहराए जाने के कारण मीरोजोवाइट्स की संख्या रक्त में इतनी अधिक हो जाती है कि मनुष्य में रक्तहीनता
या रक्त की कमी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता भी परजीवी को नष्ट करने लगती है, जिससे परजीवी अपना बचाव करने के लिए अब अपने सेकेंडरी होस्ट, जिसे हम फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो कहते हैं, उसमें स्थानांतरित होने की तैयारी प्रारंभ कर देते हैं एवं इसके लिए वो गैमेटोसाइट्स का निर्माण करने लगते हैं। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो में परजीवी की जो अवस्था है, मनुष्य से गैमेटोसाइट के रूप में प्रवेश के उपरांत पूरी होती है। इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी में गैमेटोसाइट का निर्माण कैसे होता है ये हम देखें तो इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी में बने हुए कुछ मेरोजोवाइट्स आरबीसी में प्रवेश करके गैमेटोसाइट्स बनाने के लिए ये मनुष्य के रक्त के प्रवाह के साथ स्प्लीन और बोन मैरो की रक्त वाहिनियों में पहुंच जाते हैं, जहां लगभग 96 घंटे रुककर वो वृद्धि करते हैं और वृद्धि करने के उपरांत वो गैमेटोसाइट के रूप में विकसित हो जाते हैं। ये गैमेटोसाइट विकसित होने के बाद स्प्लीन और बोन मैरो को छोड़कर वापस त्वचा की रक्त वाहिनियों में पहुंच जाते हैं और सेकेंडरी होस्ट फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो में स्थानांतरित होने के लिए पूर्णतः तैयार होते हैं। इन गैमेटोसाइट्स का आगामी विकास मनुष्य में संभव नहीं होता और यदि एक सप्ताह के भीतर ये गैमेटोसाइट फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो में स्थानांतरित नहीं हो पाते तो ये मृत हो जाते हैं। तो गैमेटोसाइट ये दो प्रकार के होते हैं। इनका निर्माण और विकास मनुष्य के स्प्लीन और बोन मैरो में होता है और इसके लिए लगभग 96 आवर्स की आवश्यकता होती है। ये गैमेटोसाइट दो प्रकार के होते हैं, पहला माइक्रोगैमेटोसाइट और दूसरा ये कहलाता है मैक्रोगैमेटोसाइट। माइक्रोगैमेटोसाइट ये आकार में छोटे होते हैं, लगभग 9 से 10 म्यू तक इनकी साइज होती है। ये संख्या में कम होते हैं, न्यूक्लियस बड़ा तथा मध्य में स्थित होता है, साइटोप्लाज्म हल्के रंग का होता है तथा लिशमैन स्टेन से स्टेन करने पर हल्का नीला रंग लेता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं यह है माइक्रोगैमेटोसाइट, ये आरबीसी है और इस आरबीसी के अंदर मौजूद है ये माइक्रोगैमेटोसाइट। इसका आकार 9 से 10 म्यू तक का है, संख्या में कम होते हैं, न्यूक्लियस बड़ा तथा केंद्र पर मध्य में स्थित होता है। इनका साइटोप्लाज्म ये हल्के रंग का होता है और जब इनको लिशमैन स्टेन से रंगा जाता है तो इनका साइटोप्लाज्म ये हल्के नीले रंग का दिखाई देता है। दूसरे तरह का जो गैमेटोसाइट है ये आकार में बड़े होते हैं, इनको कहा जाता है मैक्रोगैमेटोसाइट। ये आकार में बड़े तथा लगभग 10 से 12 म्यू तक होते हैं, संख्या में अधिक होते हैं, न्यूक्लियस छोटा तथा परिधि में स्थित होता है, साइटोप्लाज्म गहरे रंग का होता है और लिशमैन स्टेन से रंगने पर यह गहरा नीला रंग लेता है। यहां पर हम देख सकते हैं ये आरबीसी है और इस आरबीसी के अंदर ये मैक्रोगैमेटोसाइट है। मैक्रोगैमेटोसाइट आकार में बड़ा है, इसका न्यूक्लियस परिधि पर है, मध्य से हट करके है और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो गहरे नीले रंग का दिखाई देता है। ये माइक्रो और मैक्रोगैमेटोसाइट, ये समरी है मनुष्य में जीवन चक्र की। ये प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज लीवर में, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज लीवर में और इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी ये आरबीसी में, और आरबीसी से जो मेरोजोवाइट्स हैं ये गैमेटोसाइट निर्माण की प्रक्रिया करते हैं। तो मनुष्य में गैमेटोसाइट निर्माण तक की प्रक्रिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के जीवन चक्र की अवस्था की पूर्णता को दर्शाता है। अब हम देखेंगे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का जीवन चक्र इनके सेकेंडरी होस्ट में, और सेकेंडरी होस्ट है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो में
प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का जीवन चक्र निम्न चरणों में क्रमिक रूप से संपन्न होता है। पहला, गैमेटोसाइट्स का मच्छर में स्थानांतरण, दूसरा गैमेटोगोनी, तीसरा निषेचन एवं जायगोट का निर्माण, चौथा ओकाइनेट, पांचवा ओसिस्ट और अंतिम अवस्था है स्पोरोगोनी। क्रमिक रूप से हम इन्हें देखते हैं। ये मच्छर के शरीर में परजीवी के जीवन चक्र की सभी अवस्थाएं हैं। यह है ट्रांसफर ऑफ गैमेटोसाइट, दूसरा गैमेटोगोनी, तीसरा फर्टिलाइजेशन, चौथा ओकाइनेट, पांचवा ओसिस्ट और छठवां है स्पोरोगोनी या फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजोइट। आइए विस्तार से इनका पृथक पृथक अध्ययन करते हैं। ट्रांसफर ऑफ गैमेटोसाइट टू फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, अर्थात गैमेटोसाइट का मच्छर में स्थानांतरण। जब फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो मलेरिया से संक्रमित व्यक्ति का रक्त चूसती है तो रक्त के साथ माइक्रो एवं मैक्रो गैमेटोसाइट तथा मीरोजोवाइट्स मच्छर के आहार नाल के स्टमक में पहुंच जाते हैं। स्टमक में गैमेटोसाइट को छोड़कर के अन्य सारी अवस्थाओं का पाचन हो जाता है। गैमेटोसाइट्स आरबीसी के पच जाने के कारण से वो आरबीसी से बाहर निकल आते हैं और मच्छर के स्टमक में स्वतंत्र हो जाते हैं तथा स्वतंत्र होने के बाद गैमेटोगोनी प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। दूसरी अवस्था है गैमेटोगोनी, अर्थात गैमेटोसाइट से स्वतंत्र होने के बाद गैमेट निर्माण की प्रक्रिया गैमेटोगोनी कहलाती है। तो माइक्रो व मैक्रो गैमेटोसाइट के से क्रमशः मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट का विकास गैमेटोगोनी कहलाती है। आइए हम देखें माइक्रो गैमेटोसाइट से मेल गैमेट के निर्माण या विकास की प्रक्रिया। माइक्रो गैमेटोसाइट का जो न्यूक्लियस है वह 6 से 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियस में विभाजित होकर परिधि में चले जाते हैं तथा उसी समय गैमेटोसाइट की बाहरी सतह पर 6 से 8 लंबे धागे नुमा रचनाएं बन जाती हैं, जिसमें प्रत्येक में एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रवेश कर जाता है। यह प्रक्रिया एक्सफ्लैजिलेशन कहलाती है। अंत में सभी अपनी मुख्य रचना से पृथक हो जाते हैं तथा माइक्रोगैमेट या मेल गैमेट कहलाते हैं। मेल गैमेट सक्रिय और गतिशील होते हैं। मैक्रोगैमेट से फीमेल गैमेट का निर्माण या विकास। मियोसिस डिवीजन से न्यूक्लियस हैप्लॉइड न्यूक्लियस में बदल जाता है तथा छोटे पोलर बॉडी का निर्माण करता है। ये पोलर बॉडी परिधि के बाहर निकाल दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया मैच्यूरेशन डिवीजन कहलाती है तथा यह मैक्रोगैमेट या फीमेल गैमेट का निर्माण करती है। इसकी सतह पर एक छोटा सा उभार होता है जिसे कोन ऑफ रिसेप्शन कहते हैं। मैक्रोगैमेट या फीमेल गैमेट यह स्टैटिक होती है, निष्क्रिय होती है। यहां पर हम देख सकते हैं ये गैमेटोसाइट जिन्होंने फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के स्टमक में प्रवेश किया, जिन्हें हम क्रमशः माइक्रोगैमेटोसाइट और मैक्रोगैमेटोसाइट कहते हैं। माइक्रोगैमेटोसाइट आरबीसी के डाइजेस्ट होने के कारण से ये फ्री हो जाते हैं। फ्री होने के बाद इनकी सतह पर 6 से लेकर के 8 ऐसे उभार बन जाते हैं और इनमें जो न्यूक्लियस है वो भी 6 से 8 न्यूक्लियाई में विभाजित हो जाता है। इसके बाद ये जो उभार होते हैं ये उभार फ्लैजिला की तरह रचना निर्मित करते हैं और इन्हीं के भीतर जो न्यूक्लियस है वो प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करने के बाद वो अंत में स्वतंत्र हो जाते हैं और स्वतंत्र होकर के ये बनाते हैं
मेल गैमेट। मैक्रोगेमेटोसाइट आरबीसी से स्वतंत्र होने के बाद मैच्यूरेशन डिवीजन से गुजरती हैं, जिनमें पोलर बॉडी का निर्माण होता है और ये पोलर बॉडी परिधि से बाहर निकाल दी जाती हैं, जो बाद में नष्ट हो जाती हैं। और इस तरह मैक्रोगैमिट या फीमेल गैमिट का निर्माण होता है। तो मैक्रोगैमिट में एक छोटा सा कोन होता है, इसको हम कहते हैं कोन ऑफ रिसेप्शन। इस अवस्था में ये फीमेल गैमिट है और यह है मेल गैमिट। ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के स्टमक में इनका निर्माण होता है, इनका विकास होता है। स्टमक में मेल और फीमेल गैमिट का निर्माण गैमिटोगोनी की प्रक्रिया से संपन्न होने के बाद अब स्टमक में ही निषेचन और जायगोट निर्माण की प्रक्रिया होती है। मच्छर के स्टमक में विकसित मेल गैमिट ये सक्रिय एवं गतिशील होते हैं तथा फीमेल गैमिट के संपर्क में आकर उससे चिपक जाते हैं तथा फीमेल गैमिट के कोन ऑफ रिसेप्शन से उसके भीतर प्रवेश कर जाते हैं। मेल और फीमेल दोनों के न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म परस्पर एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और इस तरह निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है और जायगोट का निर्माण हो जाता है। तो जायगोट का निर्माण भी फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के स्टमक के भीतर होता है। चौथी प्रावस्था यह ऊकाइनिट कहलाती है। मच्छर के स्टमक में निषेचन के उपरांत विकसित हुए जायगोट कुछ समय तक गोल एवं निष्क्रिय रहने के उपरांत अपना आकार बदलकर लंबा और कृमि के समान हो जाते हैं, साथ ही साथ ये सक्रिय और गतिशील भी हो जाते हैं। जायगोट की परिवर्तित इस अवस्था को ऊकाइनिट अवस्था कहते हैं। ऊकाइनिट का अगला सिरा नुकीला होता है तथा इसके सिरे पर स्थित दरार के समान साइटोस्टोम के द्वारा यह मच्छर के स्टमक की दीवार को परफोरेट या छिद्रित करते हुए सबसे पहले यह उसकी पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करता है, फिर ब्रश बॉर्डर को हटाते हुए वह बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे आकर के स्थापित हो जाता है और गति करना बंद कर देता है तथा अंत में यह गोलाकार हो जाता है। तो यहाँ पर इस चित्र पे हम देख सकते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद ये मेल गैमिट, फीमेल गैमिट, फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट का निर्माण हुआ। यह जायगोट कुछ समय के बाद लंबा बेलनाकार हो जाता है और यह सक्रिय हो जाता है, इसे हम ऊकाइनिट कहते हैं। यह ऊकाइनिट अब फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के स्टमक को छोड़कर स्टमक की दीवार की ओर आगे बढ़ती है और उसकी दीवार के ऊपर जो पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन है उसको डिसॉल्व करती है। डिसॉल्व करने के बाद वो ब्रश बॉर्डर, ये ब्रश जैसी रचना जो दिख रही है इसको हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर, इसको हटाते हुए वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ठीक नीचे आकर के स्थित हो जाती है। तो यहां पर पहुंचने के बाद ये ऊकाइनिट आकार में गोल हो जाती है और गोल होने के पश्चात, राउंड होने के पश्चात यह अगली अवस्था में बदलने के लिए तैयार हो जाती है। पांचवी अवस्था यह कहलाती है ऊसिस्ट। इस गोल ऊकाइनिट के बाहर की सतह पर एक सिस्ट का निर्माण आरंभ हो जाता है। सिस्ट की दीवार पतली और लचीली होती है तथा यह ऊकाइनिट और स्टमक की दीवार के सिक्रीशन से निर्मित होती है। सिस्ट युक्त गोलाकार यह अवस्था ऊसिस्ट कहलाती है। यह ऊसिस्ट छोटे छोटे दानों की भांति स्टमक की बाहरी दीवार पर उभरी हुई दिखाई देती हैं। इन ऊसिस्ट की संख्या 500 से लेकर के 500 तक हो सकती है। सर रोनाल्ड रॉस ने मादा एनोफिलिस मच्छर में इसी ऊसिस्ट अवस्था की खोज
29 अगस्त 1897 में की थी। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यह उकाइनिट आकार में गोल हो जाता है और गोल होने के बाद इसके चारों ओर एक आवरण निर्मित हो जाता है। इस आवरण को हम सिस्ट कहते हैं और इस अवस्था पर उकाइनिट को उसिस्ट कहा जाता है। तो ये उसिस्ट मच्छर की स्टमक की बाहरी दीवार पर छोटे छोटे दाने या फुंसियों के रूप में दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर ये स्टमक है, स्टमक की बाहरी दीवार है और इस बाहरी दीवार पर ये फुंसियों के समान छोटे छोटे जो उभार या दानेदार रचनाएं दिखाई दे रही हैं, यही रचनाएं हैं उसिस्ट। और इसी उसिस्ट अवस्था की खोज फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के स्टमक में सर रोनाल्ड रॉस ने 29 अगस्त 1897 में की थी। ये हुई पांचवी अवस्था या उसिस्ट अवस्था। आइए अब हम देखें अगली अवस्था के बारे में। यह अवस्था कहलाती है स्पोरोगोनी। स्पोरोगोनी उसिस्ट स्टमक की दीवार से पोषण प्राप्त करके ये तेजी के साथ आकार में बढ़ता है तथा इसका न्यूक्लियस पहले एक मियोसिस तत्पश्चात अनेक माइटोसिस विधि से विभाजित होता है। इसी समय उसिस्ट के भीतर अनेक साइटोप्लाज्मिक मास या पिंड बन जाते हैं जिसके चारों ओर न्यूक्लियस आकर के व्यवस्थित हो जाते हैं। साइटोप्लाज्म प्रत्येक न्यूक्लियस के साथ एक कोशिकीय सिलेंडर सिकल सेप या हसिये के आकार की रचना बना लेती हैं जिन्हें स्पोरोजोइट्स कहते हैं। प्रत्येक उसिस्ट में लगभग 10,000 स्पोरोजोइट्स बनते हैं। उसिस्ट से स्पोरोजोइट्स बनने की यही प्रक्रिया स्पोरोगोनी कहलाती है। उसिस्ट के फटने से उसके भीतर निर्मित हुए स्पोरोजोइट्स स्टमक और बॉडी वॉल के बीच स्थित हीमोसील में स्वतंत्र हो जाते हैं और गति करते हुए मच्छर के स्लाइवरी ग्लैंड या लार ग्रंथि की ओर बढ़ते हैं और उसमें प्रवेश कर जाते हैं। इस तरह मच्छर मनुष्य में संक्रमण फैलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब स्पोरोजोइट फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के स्लाइवरी ग्लैंड में प्रवेश कर जाते हैं तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का जीवन चक्र फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो में पूर्ण होता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं ये उसिस्ट है और इस उसिस्ट के भीतर न्यूक्लियस विभाजित हो रहा है और विभाजित होने के बाद ये साइटोप्लाज्मिक मास बन रहे हैं और साइटोप्लाज्मिक मास के चारों ओर न्यूक्लियस एकत्रित हो रहे हैं और हर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म की थोड़ी सी मात्रा एकत्रित करके एक सिकल शेप या हसिये की आकार की रचना में विकसित हो जा रहा है। तो विकास की इस प्रक्रिया को कहा जाता है स्पोरोजोइट और बनने वाली रचनाओं को कहा जाता है स्पोरोजोइट। तो ये स्पोरोजोइट का निर्माण हुआ। अंत में ये जो सिस्ट है ये बस्ट हो जाती है और बस्ट होने से स्पोरोजोइट बाहर निकल जाते हैं और ये बॉडी वॉल और स्टमक के बीच हीमोसील में गति करते हुए ये मॉस्किटो के स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इस तरह जब स्पोरोजोइट से स्लाइवरी ग्लैंड संपन्न हो जाता है तब यह फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो दूसरे स्वस्थ मनुष्य में संक्रमण फैलाने के लिए तैयार हो जाती है। इस तरह प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का जीवन चक्र फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो में पूर्ण होता है। यह पूरी समरी है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो में। क्वेश्चन नंबर परीक्षा में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस तरह से हैं। Write the historical account of malaria. Compare the sporozoite with trophozoite of Plasmodium vivax. What is pre-patent and incubation period in malaria?
write short notes on malarial control, compare the microgametocyte with macrogametocyte, describe the life cycle of Plasmodium vivax in man, describe the life cycle of Plasmodium vivax in female Anopheles mosquito, and describe the life cycle of Plasmodium vivax. ये suggested readings हैं. Thank you.